यूपी में अब कोई नहीं रहेगा भूखा। सड़कों पर भूखा नहीं सोएगा मजदूर। गरीबों के लिए योगी का भोजन प्लान। हम तो बहुत खुश हैं योगी से, बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं गरीबों के लिए। योगी सरकार देगी भरपेट खाना। सही वे में इसको इस्तेमाल किया है तो बहुत ही अच्छी योजना ये। 3 रुपए में नाश्ता, 5 रुपए में खाना। 3 टाइम में बंदा 15 रुपए खाएगा, बंदा कुछ पैसा कमा लेगा। गरीबों को मिलेगा सस्ता और पौष्टिक भोजन। यूपी में योगी की अन्नपूर्णा रसोई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यनाथ झा। गरीबों को राहत देने के लिए योगी सरकार एक और योजना शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन और मध्य प्रदेश की दीनदयाल रसोई योजना की तर्ज पर अब यूपी में भी अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ की अन्नपूर्णा रसोई में सिर्फ 3 रुपए में सुबह का नाश्ता और 5 रुपए में दोपहर और रात का खाना मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा तैयार हो चुका है और 12 अप्रैल को सीएम आदित्यनाथ इसका ऐलान कर सकते हैं। यूपी भर में कुल 275 कैंटीन खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर 153.59 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और अब बारी भर पेट खाने की है। अब 5 रुपए में लोगों को भर पेट खिलाने के एक योजना पर लगातार काम चल रहा है और अब मुख्यमंत्री खुद इस योजना का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं, तमाम ऐसे लोग, और हम आपको बता दें जो ऐसे ठेलों पर जो खाना लोग खाते हैं, रेडियो पर जो खाना खाते हैं, वो भी खाना कम से कम 15 से 20 रुपए में उपलब्ध होता है। लेकिन अब बारी इस बात को लेके है कि अन्नपूर्णा भोजनालय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शुरू करने जा रही है और इस अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के तहत 5 रुपए में, सिर्फ 5 रुपए में लोगों को भर पेट खाना उपलब्ध कराया जा सकेगा। लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी एक जगह पे जहां तमाम लोग, दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, खाना खाने के लिए इन छोटे छोटे छोटी छोटी रेडियो पे, ठेलों पर पहुँचते हैं। बहुत बढ़िया योजना है क्योंकि 5 रुपए में अगर भोजन मिल जाए तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि मैं पूरनपुर से, पीलीभीत से आया हूँ बच्चे को पेपर दिलाने के लिए, तो मैं इधर एक होटल था खाली, मैंने सुबह पराठा खाया और थोड़ी दही ली तो 95 रुपए लिए होटल वाले ने। 95 रुपए? जी, 95 रुपए। और ऐसे में अगर 5 रुपए, योगी जी अगर 5 रुपए में भोजन की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? बहुत बढ़िया सर है, 5 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा, उससे हमारी बहुत रिश्ते वाले, बहुत से लोग है खुश रहेंगे। अब यहाँ खाना खा रहे हैं, यहाँ कितने की थाली ली थी, प्लेट लिया था? यहाँ 25 रुपया, 30 रुपए सर। इससे कम में कुछ नहीं है? जी नहीं, इससे कम में नहीं है सर। आपसे ज़रा पूछना चाहेंगे, ये जो खाना देते हो लोगों को, जो खाना लोग खा रहे हैं, तो ये 5 रुपए में दे दोगे? नहीं दे पाएंगे सर, नहीं दे पाएंगे, लागत ही नहीं आई, कहाँ से दे देंगे। कम से कम कितने की थाली है तुम्हारे यहाँ? 20 रुपए का कबाब पराठा है प्लेट, 2 कबाब 2 पराठा और 15 की आप बिरयानी है। इससे कम में भी कुछ है? इससे कम में कुछ नहीं है, इससे कम में कुछ नहीं। यानी कि अगर हम बहुत बेसिक बात करें, सड़क के किनारे भी खाना आपको 20 या 25 रुपए कम से कम इतने में वो खाना मिलेगा। लेकिन अगर ये योजना यूपी सरकार एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करती है और इस योजना को हकीकत की ज़मीन पर उतारने की तैयारी हो रही है कि सिर्फ 5 रुपए में आपको भर पेट खाना मिलेगा, तो इससे कई लाख लोग लाभान्वित होंगे, कई लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में दोपहर और रात का खाना मिलेगा। सरकार की इस योजना से छात्र, कम आय वाले कर्मचारी, मजदूर, रिक्शा चालक, दुकानदारों पर और दुकान में काम करने वाले मजदूर, हॉकर जैसे लाखों लोगों को सीधे फायदा होगा। आपको बताते हैं कि अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के तहत सुबह के नाश्ते में क्या क्या मिलेगा। नमकीन, दलिया और चाय या चना और चाय, 2 कचौड़ी,
खस्ता, समोसा, चटनी में से कोई एक और इसके साथ चाय, दो इडली सांभर और चाय या फिर बंद मक्खन, दो ब्रेड पकौड़ा और चाय या फिर पोहा और चाय। इन सब में से कोई एक चीज नाश्ते में ₹3 देकर आप हासिल कर पाएंगे। नाश्ते की मेन्यू के बाद यह भी जान लीजिए कि ₹5 देकर आपको भोजन में क्या क्या मिलेगा। दोपहर और रात के खाने में 6 रोटी और 10 दार सब्जी ले सकते हैं आप। चाहें तो आप अरहर की दाल और चावल के साथ प्याज या फिर अचार खा सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं है तो एक और विकल्प आपके पास ₹5 में है, वेज बिरयानी का। जी हाँ, ये थाली होगी दोपहर और रात की। योगी सरकार का फायदा सीधे गरीब और दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और जरूरतमंदों को मिलेगा। गाजियाबाद के दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि रोजाना कमाई का आधा हिस्सा तो खाने में चला जाता है। अन्नपूर्णा भोजनालय योजना से न केवल उनकी बचत होगी बल्कि अच्छा खाना भी मिलेगा। अब तक क्या स्थिति थी आपकी, कैसे खाना खाते थे, कितने रुपए का खाना खाते थे? 50-60 रुपए खाने बैठता था जी। एक टाइम 50-60 रुपए बैठ जाते थे। आप बताइए आपको कितना फायदा मिलेगा? बहुत बेनिफिट है जी। जहाँ 60 रुपए खाना खा रहे हो, 50 रुपए 20 रुपए में खाना खाएंगे तो पैसे बचेंगे बच्चों के लिए। 5 रुपए में तो चाय नहीं आती। 5 रुपए सही बात, 7 रुपए 8 रुपए चाय। 60 रुपए तो बचेंगे तो 20 रुपए वाली पेट तो खा लेगा, 2 पैसे बचेंगे गरीब आदमी जी। बहुत बढ़िया। पूरे दिन में कितना खर्च कर देते थे खाने के ऊपर? 100 रुपए 100 रुपए रोज के होते थे। अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से शुरू होने वाली इस योजना का मसौदा तैयार हो चुका है। यूपी के सभी 14 नगर निगमों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी में इसकी शुरुआत की जाएगी। आपको बताते हैं कि यह कैंटीन कहां कहां खुलेगी। गाजियाबाद में 20, लखनऊ में 28, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 18 कैंटीन। ये सभी कैंटीन अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खोली जाएंगी और इसके बाद अगर इस योजना की कामयाबी हासिल हो जाती है तो फिर इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। गोंडा जिले में योगी सरकार की इस योजना का रिक्शा चालकों और मजदूरों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। रिक्शा चालकों का कहना है कि दिन भर कड़ी धूप में रिक्शा चलाकर मुश्किल से 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की कमाई होती है और ऐसे में अगर 5 रुपए में खाना मिलेगा तो इसका सीधा असर उनके और उनके परिवार के जीवन यापन पर पड़ेगा। 5 में खाना मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तीन टाइम में बंदा 15 रुपए खाएगा, बंदा कुछ पैसा कमा लेगा। अब जिसे रोज हम लोग आज लग गया तो 200-300 कमा ले, कोई दिया कोई 1 रुपया नहीं कमाया। कितना कमाते हैं आप लोग एक दिन में और कितना खाने में खर्च हो जाता है? एक दिन में 150-200 रुपया कमा लिया जाता है और 100 रुपया तक के खाने में लग जाता है तीनों टाइम मिला के। और ये सवाल भी आपके जहन में उठ रहा होगा, इसके पेमेंट का जरिया क्या होगा? कैश पेमेंट के अलावा लाभार्थी को प्रीपेड टोकन या फिर प्लास्टिक कार्ड जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये प्लास्टिक कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा होगा और प्रीपेड टोकन 1 से 7 दिन तक वैध होगा, लेकिन खत्म होने पर दोबारा रिचार्ज कराए जा सकेंगे। सबसे अहम बात यह कि कार्ड या फिर टोकन किसी भी शहर के अन्नपूर्णा कैंटीन में मान्य होंगे। योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में अन्नपूर्णा भोजनालय के प्रस्ताव को लेकर वहां के लोगों की क्या राय है आपको सुनवाते हैं। लोगों का कहना है कि अब गरीबों को दोनों वक्त भरपेट भोजन मिलना आसान हो जाएगा। आज के समय में रुपया बहुत बड़ी चीज हो जाती है और आदमी एक एक रुपए के बारे में बहुत सोचता है, तो इस कंडीशन में अगर 40-50 रुपए में जहाँ भोजन मिलता है वहाँ 10 रुपए में अगर इस भोजन की प्राप्ति होगी तो वह उसका लाभ जरूर लेगा। इस समय जो गरीबी और महंगाई ये दोनों ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की कमर तोड़ रखी है। जहाँ 30-40 रुपए में एक प्लेट खाना मिलता है वहाँ गरीब एक टाइम खाना खाता था, अब 10 रुपए का अगर भोजन मिलेगा तो वो 2 टाइम और 3 टाइम भी खाना खा पाएगा। और हमारे देश में देखेंगे कि आप नुक्कड़ पे हर जगह गली चौराहे पे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं तो उनके माँ बाप उनसे भीख मंगवाते हैं। अगर 10 रुपए में भोजन मुहैया हो जाएगा तो वो गरीब बच्चों को भीख नहीं मांगना पड़ेगा और जो रिक्शे वाले जो मतलब भूखे रह जाते हैं वो 10 रुपए में अपना भरपेट खाना खा लेंगे। यही फायदा है और इस चीज़ के लिए मैं योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बता दें कि देश के कई राज्यों में पहले से ही इस तरह की कैंटीन चल रही है। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन, राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना, मध्य प्रदेश में दीनदयाल थाली और छत्तीसगढ़ में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र, झारखंड में मुख्यमंत्री मोबाइल दाल भात
किचन, कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन और ओडिशा में आहार योजना। इस तरह की योजनाएं पहले कई राज्यों में चल रही हैं।